और मेरी फेवरेट सिटी है और मैंने पब्लिकली कहा है कि लाहौर मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। जी ने लाहौर नहीं तकिया और जमे है ही नहीं। उसने कुछ भी नहीं देखा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। गाइस, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ एक ऐसे बंदे से जो एक बिल्कुल गरीब घराने से इंग्लैंड में आया और जिसने बहुत मेहनत की और 17.5 साल बाद वो इस मुकाम पर पहुँचा आहिस्ता आहिस्ता करके। तो आज वो स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को बता रहे हैं अपना कि कैसे यूके में आए या कैसे आके यूके में वो सेटल हो सकते हैं। तो आज मैं उनको आपको उनके साथ मिलवाता हूँ। 17.5 साल से वो यूके में रह रहे हैं, बहुत ही उनकी अच्छी रेपुटेशन है, अच्छे वो अपने कमेंट्स वगैरह लोगों को, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मिलाता हूँ। मेरे साथ होंगे गैरी भाई, गैरी कुमार उनका नाम है। तो आपको मिलवाता हूँ गैरी भाई से, जो स्टूडेंट्स को आजकल पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जिधर भी हैं सबको बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं, आप भी करें मेरे साथ। हाँ। जी हेलो, कैसे गैरी हैं भाई? सब लोग कैसे हैं? गैरी भाई बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। थैंक यू वेरी मच। जब आपने मुझे कहा, जी जब आपने मुझे कहा कि आप वीडियो बनाना चाहते हैं, एक आपका भी चैनल 500 सब्सक्राइबर है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि मैं भी, देखिए मैं सिर्फ बच्चों को सपोर्ट नहीं करता, मैं हर आदमी को मोटिवेट करता हूँ, चाहे वो यूट्यूबर है, इवन कि टैक्सी ड्राइवर है इस कंट्री में, इवन कि वो सैलून में भी है। देखिए हर आदमी के जो हाथ है 5 उंगली बराबर नहीं होती है, हम सबको मेहनत करनी पड़ती है। जब आपने मुझे ये कहा कि आप मेरे साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको जानता नहीं था, पर मैंने आपको यस बोल दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे आपके साथ वीडियो आने पर अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग पाकिस्तान से, मेरा टूरिस्ट वीजा लग चुका है लेकिन कोरोना कारण जा नहीं पाया, मैं लड़कर पाकिस्तान, वैसे लंदन से लिया था लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस मैं जा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं अमृतसर बाघा बॉर्डर से जरूर जाता। और लाहौर मेरी फेवरेट सिटी है और मैंने पब्लिकली कहा है कि लाहौर मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। जी ने लाहौर नहीं तकिया और जमे है ही नहीं। उसने कुछ भी नहीं देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन प्लीज जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, देखिए मेरा चैनल भी 6-7 मंथ नया ही है, जैसे उन्होंने बताया है, हम स्टूडेंट सिर्फ गाइड करते हैं। जो देखिए जब मैं यूके आया था तो आज 17 साल पहले ना तो फेसबुक था ना इंस्टाग्राम था और कोई गाइड करने वाला, जो अपने लोग पंजाब के थे ना मेरे, वो कॉन्फिडेंस तोड़ते, बोलते यूके में कुछ भी नहीं है, आप यूके क्या करने जा रहे हो, आप वापस आ जाओगे, आप मम बॉय हो, आप चल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। उन्होंने इतनी तनखियाँ मेरे ऊपर की थी कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत जीरो हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं यूट्यूब माध्यम से जो भी बच्चे आ रहे, चाहे वो पाकिस्तान के हैं चाहे इंडिया के, उनका मोटिवेट करूं और उनको बताऊं कि सच में लाइफ यूके बहुत अच्छी है। जो बताते हैं ऐसा नहीं है, जो लोग यूके में रहकर ये बोलते हैं कि यूके मत आओ, मत आओ, मत आओ, वो खुद क्यों इंडिया नहीं चले जाते हैं पाकिस्तान, वो सिर्फ जेलस फील करते हैं हम सब लोगों से। लेकिन आपको डरना नहीं, अगर आप में दम है आप मेरे ख्याल में ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं आपको ऐसे बड़ा भाई, सब मुझे बोलते मेरे चैनल पर, मैं आपको ऐसे बड़ा बता रहा हूँ कि अगर आप में दम है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस आपको यूके अगर हार्डवर्क करना है और यूके अगर आपको सारा वो लॉ फॉलो करना है तो यहाँ के जो कॉमन ब्रिटिश पब्लिक है वो फॉलो करती है। यूके आके दम बहुत ज़रूरी है, मेहनत, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। जैसे गैरी भाई हैं, 17.5 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं है, बहुत नीचे से ऊपर आना ये बहुत मुश्किल की बात है। 17.5 साल कहना आसान है, बच्चा बड़ा हो जाता है। मैं भी 19 साल का था तो बुढ़ा हो गया हूँ। लेकिन यस, मैं भी बड़ा हुआ, मैं इस कंट्री में लड़के से एक मैन बना हूँ जैसे बॉय से। लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, बर्तन भी शुरू में मांजे थे, लेकिन इस कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं 55 कंट्रीज में गया हूँ और मैंने 6 वंडर्स देखे हैं। जो लोग मुझे चाहते हैं इंस्टाग्राम पर वो आ सकते हैं, मेरे आईडी इंस्टाग्राम पर रियल गैरी कुमार है, आप देख सकते हैं। मैं और सबसे अच्छी बात ये है, जैसा कि भाई जान ने कहा है कि मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, चाहे मुझे आंसर आता है कि नहीं आता है, डजंट मैटर कि मेरे 18,000 सब्सक्राइबर है, आई रिप्लाई एवरी सिंगल पर्सन। मुझे लगता है कि नहीं, ये बच्चे मेरे छोटे भाई बहन है, इनका रिप्लाई करना चाहिए। सर मैं उसकी सपोर्ट करना चाहिए। मिसाल खुद हूँ, मैं बिल्कुल नहीं इन्हें जानता, फर्स्ट मैसेज सेकंड 2 मैसेज किए इन्होंने मुझे रिप्लाई किया, कम विद मी। सो बहुत शुक्रिया आपका, एक मतलब छोटे सब्सक्राइबर को आपने एक अच्छी वीडियो के लिए इनवाइट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी गाइस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए जो करंट सिचुएशन है उस पर बात हम करेंगे। तो अभी मेरा ख्याल है कहीं बैठ के बात करें जी। चलो बैठ के बात। जी तो गाइस गैरी भाई मेरे साथ हैं इस वक्त। यार ये बंदा कमाल है, सच्ची बात बताऊं कि माशाल्लाह पहली मुलाकात है लेकिन पता नहीं चल रहा कि हम लोग पहली मुलाकात से कर रहे हैं। चलो आते हैं टॉपिक पे। गैरी भाई बताएं कि आज करंट सिचुएशन क्या चल रही है, लॉकडाउन के बारे में बताएं।
लॉकडाउन के बारे में ये है कि देखिए, जैसे जो बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, उनको पता ही नहीं है कि जो यूके में जो लॉकडाउन है वो अभी हुआ नहीं है, ठीक है। मास्क पहनकर जाना है, अब हम पार्क में हैं तो मास्क नहीं पहनना है, जो जो भी है क्या कहते हैं, जैसे आप आसडा जा रहे हो तो आपको मास्क पहनना, आपको फाइन पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट बताया है। लेकिन यूके में लॉकडाउन नहीं, हाँ केसेस बढ़ रहे हैं, ठंडी है, कोरोना वायरस जो है वो ठंडी में बहुत ज़्यादा तेज फैलता है, जो हम सबको पता है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर लॉकडाउन कभी लगेगा, अभी तो लॉकडाउन कैसे लगेगा, लॉकडाउन लगेगा छोटे से एरियाज में लगेगा, और वो लगेगा रात को कर्फ्यू लगेगा। पर अगर आपको कि लॉकडाउन नेशनल वाइज लग जाएगा, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, वो कभी नहीं लगेगा। वो तभी लगेगा इस कंट्री में जब आपकी कंट्री में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और आप लोगों के पास मीन्स यहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तब लगेगा। लेकिन चांसेस मेरे ख्याल में एज ए ब्रिटिश सिटीजन, मेरी ओपिनियन, ओके ओ माय गॉड, जो मेरी ओपिनियन है उसमें लॉकडाउन नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि नहीं लगेगा। जी गैरी भाई, बताएं कि क्वारंटीन में स्टूडेंट्स आके क्या करें, जो पहले दिन उन्होंने 14 दिन रूम में रहना है आते साथ ही। क्वारंटीन में बस मैं यही बोलूँगा, जो भी बच्चे हैं, government.uk वेबसाइट है, वो बाइबल की तरह यूके में मानते हैं हम लोग, उसको उस पर जाएं, उसमें COVID-19 गाइडेंस दी हुई है, वहाँ जाएं। पर बच्चों को यही बताना चाहता हूँ, जब कोई टूरिस्ट आ रहा है या कोई टीयर टू पर आ रहा है, आपको एक अलग होटल में रहना है, आपका बाथरूम सेपरेट होना चाहिए। अगर आपको पता लग गया कि आपने सेल्फ हेल्प प्रॉपरली नहीं किया, वो ऑडिट कर सकते हैं, तो आपको फाइन पड़ सकता है £1,000 तक। तो गाइस प्लीज़, अगर आप यूके आ रहे हैं, यूके के लॉ को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप यूके के लॉ को रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, और आगे जाकर आपकी जर्नी यूके में ईजी हो जाएगी। तो प्लीज़, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, जैसा मैंने उमर जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, आप गवर्नमेंट यूके वेबसाइट जाइए, वहाँ पर सारी गाइडेंस है COVID-19 की, पढ़िए। कोई कंफ्यूजन है आप उमर भाई से पूछिए, वो आपका आंसर देंगे। पर प्लीज़ 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 सेपरेट रूम में रहिए, और सेपरेट रूम में रहने के बाद आपको एक चीज़ और करनी, कि आपको बाथरूम भी सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। और पार्ट टाइम के बारे में बताएं, जॉब कैसे ढूंढें या कैसे करें? पार्ट टाइम जॉब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे इंडिया या पाकिस्तान से आ रहे हैं, डरिए मत, पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर काम बहुत है। मैंने भी किया है, मैंने भी लोन पे किया है 17 साल पहले। तो पार्ट टाइम जॉब, बच्चे को पता क्या होता है, जो इंडिया से या पाकिस्तान से, वो CV बनाते हैं। अरे पार्ट टाइम जॉब लेबर के लिए CV कोई जरूरत नहीं है, और ना ही कोई स्किल की जरूरत है। बर्तन मांजने क्या चाहिए, हाथ चाहिए। अगर वेयरहाउस में काम करना है, सेफ्टी शूज चाहिए। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं जो बच्चे, मैं उनको बस यही कहूँगा कि आप प्लीज़ ब्लैक पैंट लेकर आइए, वाइट शर्ट लेकर आइए, और ब्लैक शूज़, क्योंकि ये वेटर के यहाँ पर ड्रेस कोड है। और जितनी भी एजेंसीज आपके लोकल, जैसे वेस्ट ब्रॉनविच में है या बर्मिंगम की बात हम करें, तो सारी एजेंसी जो नियर अराउंड, उनको सर्च कीजिए, अपॉइंटमेंट बनाइए, अपना एड्रेस प्रूफ लेकर जाइए, अपना BRP कार्ड, बैंक अकाउंट, और अपना जो आपके पास जो भी है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, उसको लेकर जाइए, रजिस्टर हुई है, उनको बोलिए कि हम 20 आवर्स काम करते हैं एज स्टूडेंट, जो भी बताया गया, तो उनसे रजिस्टर हुई है, वो आपको काम देंगे, और उनकी जो कमीशन है वो एक एम्प्लॉयर से चार्ज करते हैं। आपको कोई भी पैसा एजेंसीज को नहीं देना है, बस वो आपके जो एम्प्लॉयज आप काम करोगे उनसे पैसा लेंगे। तो मेरे ख्याल में मैकडोनल्ड्स वगैरह भी जाइए, सुपर, लेकिन सबसे जल्दी ईजी जॉब किस मिलती है, 80% वो मिलती है एजेंसी से, और एजेंसीज आपको खुद ढूंढनी है और सर्च करनी है जो भी एरिया आपके पास है, क्योंकि हर सिटी में एजेंसीज डिफरेंट है, एजेंसी के नेम डिफरेंट है। तो प्लीज सर्च कीजिए गूगल पर कि एजेंसी नियर यू। काम का कोई मुश्किल नहीं है, काम इधर मिल जाएगा, किधर भी यूके में आप जाएंगे, काम पार्ट टाइम कोई मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स खुला दिल रख के बस ये सोच लेके आए कि हम लोगों ने मेहनत करनी है। तो गैरी भाई भी आपको इसी तरह मोटिवेट करते रहते हैं कि सिर्फ घबराना नहीं है, माइनस नहीं जाना, पॉजिटिव रह के काम करना है, क्योंकि पॉजिटिव जब आप रहते हैं तो इसी तरह फिर आगे आप बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा है, जो भी बच्चे देख रहे हैं आपके चैनल पर, जो आपके ऑडियंस हैं, तो प्लीज़ आप उमर भाई से सारे क्वेश्चन पूछिए, अपना पूरा सपोर्ट इनसे लीजिए, क्योंकि इनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, और ये भी काफ़ी नीचे से ऊपर आए। जो आदमी नीचे से ऊपर आता है ना, उसको वैल्यू होती है किसी की फीलिंग्स की, वो आपके जो फीलिंग्स है उसको फील करता है, और उसको देखिए मैं फिर भावुक हो जाए, फिर मैं रोने लग पड़ूंगा, क्या वो फील करता है, उसको बताता कि मैंने वो बुरे दिन देखे हैं और तब मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं था। तो प्लीज़ आप जो बच्चे हैं अपना हौसला ना छोड़िए, पार्ट टाइम जॉब मिलती क्यों नहीं मिलेगी, अगर मुझे मिली है, उमर जी को मिली है, हजारों बच्चों को मिली है, लोन पे किए ना, इधर आपको भी मिलेगी। इधर जॉब ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको काम करना पसंद होना चाहिए। जी गैरी भाई, स्टूडेंट्स के बारे में तो बता रहे हैं आप, ये बताएं ना कि आपने YouTube चैनल कैसे स्टार्ट किया, कैसे मन में आया? देखिए मैंने YouTube चैनल स्टूडेंट्स के लिए इनिशियली स्टार्ट नहीं किया था, मैंने एक्चुअली ना वो ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए शुरू किया था। अच्छा अच्छा। और मैंने फरवरी में, क्योंकि मैंने 55 कंट्रीज देखी हैं, मैंने वाओ 55 कंट्री देखी और 6 वंडर देखे साथ में से, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूं, पब्लिक का शेयर करता हूं। तो मैंने 2-3 बनाए, कुवैत के बनाए हैं, दिल्ली के बनाए हैं, तो लंदन के बनाए हैं, तो पर उसका लॉकडाउन हो गया तो मैंने सोचा अब क्या करूं, तो फिर मैंने जो ब्लॉग्स थे तो मैंने स्टूडेंट पर बनाने शुरू कर दिए, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो मैं फॉर्मर स्टूडेंट 17 साल पहले, तो पब्लिक ने कहीं ना कहीं इतना लाइक किया मुझे लॉकडाउन के टाइम पर, मार्च में तो मेरे सब्सक्राइबर 1000 थे,
और अप्रैल में मेरे सब्सक्राइबर 9,000 हो गए विद इन, मैं कहूँ 8,000 कैसे मिल गए। तो फिर मैंने पब्लिक को प्रॉमिस किया कि पब्लिक जी मैं आपसे धोखा नहीं करूँगा, तो मैंने तो सारे ट्रैवल ब्लॉग्स थे ना उसको डिलीट कर कर अपने नया चैनल फ्लाई विद गैरी है उस पर रख दिया, क्योंकि मैं सोचा कि चलो ये चैनल सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प के लिए है, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो मैंने जो अपना नया चैनल फिर फ्लाई विद गैरी खोला है और सारे वीडियो जो भी ट्रैवल ब्लॉग्स यूके की लाइफ है वो फ्लाई FLY फ्लाई विद गैरी पर डालता, और मैंने 55 कंट्री देखी है। कौन सी कंट्री ज्यादा पसंद आई आपको? मुझे मुझे इजिप्ट बहुत पसंद आया है, मिस्र। हाँ मिस्र, मैंने वो सारी वो देखी है, इजिप्ट की क्या कहते हैं वो पिरामिड्स देखे हैं। मुझे ब्राजील बहुत पसंद आया है, मैं छोटे बीचेस, हाँ ब्राजील के बीचेस देखे, और मैंने वो क्राइस्ट का वो भी देखा है। मुझे म्यामी बहुत अच्छा लगा है, पर म्यामी थोड़ी सी लाइफ में ड्रिंक नहीं करता, बहुत लाइफ वो है जोशीली है, वो मैं जोशीली मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगती लाइफ, पर म्यामी भी अच्छा था। और मैंने स्विट्जरलैंड देखा है जो हमारे इंडिया पाकिस्तान को बहुत लाइक होता है, वो अच्छा लगा है। और सबसे ज्यादा मैंने एंजॉय किया कुवैत में, मेरे पास व्लॉग भी कुवैत का फ्लाइट। अच्छा, कुवैत एक ऐसा सिटी लगा है मुझे जहाँ पर मुझे धूप मिली है, क्योंकि ठंड बहुत होती है, मैं धूप के लिए जाता हूँ। मैंने सारा मिडिल ईस्ट देखा है, दुबई का मैंने क्रूज भी किया है, मैंने अबू धाबी भी गया हूँ, मैंने दुबई, ओमान, मस्कट ये सारा कवर किया हूँ अपनी लाइफ को। मुझे मिडिल ईस्ट बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पर धूप होती है मेनली, बताता हूँ। तो अगर हम इसे पूछोगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे इजिप्ट मेरी सबसे अच्छी हॉलीडेज मुझे लगी है, और उसके बाद आता है रियो ब्राज़ील। ओह वाओ, ये थी जी गैरी भाई की सॉरी इन्फॉर्मेशन। गैरी भाई इंडिया से, पंजाब से, आप पंजाब से? जलंधर से हूँ मैं, पंजाबी भी बोल लेता हूँ। पंजाबी जी चक दीते फटे गैरी भाई ने आज। पंजाबी भी बोल लेता, पर लोगों लगता लोगों लगता नहीं कि पंजाबी है, पंजाबी है, हिंदी बोलता है, लेकिन मेरी पंजाबी भी आंदी, पंजाबी लिखनी भी आंदी। उर्दू हिंदी आपकी बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो आपकी ऑडियंस देख रही है कि जी, आपने मुझे ही अपने चैनल के लिए क्यों चुना? बाकी और भी यूट्यूबर्स हैं काफी सारे, और क्या आपको मेरे में अच्छा लगता है एज ए यूट्यूबर, बताइए पब्लिक को आप। गैरी भाई सच्ची बात बताऊं आपको कि आपकी जो सर्च बेस है ना, जो आपकी सर्च बेस है जिस पे आप सर्च करके इन्फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स को, वो बहुत अच्छी है। कोई भी चीज़ है ना आप एक प्रूफ से बताते हो, जैसे कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स है ना उसको पढ़ते हो, जैसे कहते हो आप यहाँ की गोविट की जो वेबसाइट है वो एक लाइक बाइबल की तरह है, तो लोग अगर आप कोई बात बता रहे हो अगर वो झूठ होगी लोग जाके उसे सर्च कर लेंगे, उसको पता चल जाएगा कि गैरी यार झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इससे एक ये है कि लोगों में आपका इतमाद भी बढ़ता है, आपका ट्रस्ट भी बढ़ता है, और दूसरा ये है कि आप बिल्कुल अपने टाइम पर जो है बिल्कुल उसको आंसर भी करते हो, रिप्लाई करते हो, बताते हो कि यार हाँ जी कौन हो आप, क्या क्या चाहिए, क्या सवाल है आपका, क्वेश्चन आंसर्स करते हो आप, ठीक है। तो अगर जैसे मैं हूँ, मैंने आपको एक दो मैसेज किए, आपने बोला उमर भाई लेट्स कम मेक अ वीडियो, आई सपोर्ट यू एज वेल। सो ये आपकी खूबियाँ जिसकी वजह से लोग आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आगे भी करेंगे मुझे यकीन है। तो आगे भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियोस बनाता रहूँगा, हम लोग मिलते भी रहेंगे और रबते में भी रहेंगे, और यूके पे भी व्लॉग्स बनाएंगे। ओके एक चीज़ लास्ट में, मैं एक चीज़ और लॉकडाउन में ऐड करना चाहता हूँ कि अभी मैनचेस्टर की न्यूज़ आई चैनल पर है कि जो मैनचेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनमें 1700 लोगों को सेल्फ आइसोलेट के लिए बोला गया है। पता नहीं उनको COVID-19 हुआ कि नहीं हुआ ये हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि उनको सेल्फ आइसोलेट ये होता है कि आपको 14 days एक सेपरेट रूम में रहना होता है, और वहाँ पर आपको अपने आप को लोगों से दूसरों से दूर रखना पड़ता है। न्यूज मैनचेस्टर की आज ही आई है। जी 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 थैंक यू मैनचेस्टर सिटी के लिए, किसी और जी 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 थैंक यू गैरी भाई, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत सारा सबका प्यार है, दुआएं हैं, आप तरक्की करें, फले फूलें, और सबको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और सब लोग एक अच्छी राह पे चल के अच्छे सफ़र का आगाज़ करें। थैंक यू, फी अमान अल्लाह सबको, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय।